मित्रों नमस्कार, आज का ज्योतिष का विषय है मोटापा कम करने के लिए करें हमारा यह उपाय। मित्रों, बहुत से लोग ज्यादा मोटे हो जाते हैं। मोटे होने का कारण खान पान नहीं है, खान पान समस्या है, लेकिन खान पान ही समस्या है ऐसा नहीं, क्योंकि देखा गया है कई लोग मोटा हो जाने के बाद अपनी समस्या को दूर करने के लिए खाना तक छोड़ देते हैं। शरीर तो मोटा ही रहता है, लेकिन शरीर में रोग बीमारियां प्रारंभ हो जाती है। मोटापे का मुख्य कारण ग्रह में बृहस्पति का किसी प्रभाव में ज्यादा बलशाली होना या उसका अशुभ होना, या बृहस्पति का संबंध जब किसी की दृष्टि किसी ग्रह के स्वाभाविक दृष्टि से संबंध जोड़ता हो शुक्र के साथ, या फिर उसका संबंध बुध के साथ जुड़ता तो मोटापे संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ, खाने पीने की समस्या, ज्यादा फैटी चीजों को खाने से ये समस्या जरूर होती है, लेकिन बहुत से लोग अपने शरीर को दुबलेपन को दूर करने के लिए खाते हैं, लेकिन तब भी दुबलापन दूर नहीं होता। इसलिए मोटापे की समस्या हमेशा ग्रहों से संबंध ही रखती है। इसीलिए आज के हमने ज्योतिष संबंधित उपाय में मोटापे को दूर करने का उपाय बताने जा रहा। ऐसी स्थिति में संडे के दिन, इतवार के दिन काला धागा अपनी कनिष्ठिका उंगली के बगल वाली उंगली, जिसको अनामिका बोलते हैं, अंग्रेजी में रिंग फिंगर बोलते हैं, पंजाबी में उसको चिची की नाल वाली उंगल जो कहते हैं, चिची की नाल वाली उंगल बोलते हैं, उस उंगली में काला धागा बांध ले। पहले काला धागा लपेट ले, काला धागा अगर सूती मिले ज्यादा उत्तम है। काला धागा पतला या कोई रील वाला जो बड़ा वाला मोटा वाला धागा होता है, एक बार उसको बांध ले अपने उंगली में, और उंगली में बांधने के बाद एक रांगा धातु होता है, रांगा, ये ज्यादातर बड़ा सॉफ्ट होता है, इसको दबाने से ये जल्दी लचीला इतना होता है कि टूट जाता है। इसकी अंगूठी बनाकर, थोड़ी अंगूठी ऐसी हो कि चौड़ाई में हो, उस अंगूठी को बनवाकर अपनी अनामिका उंगली को चिची के नाल वाली उंगल या रिंग फिंगर के उंगली के बराबर बनवाकर उस काले धागे के ऊपर इस रांगे की अंगूठी को चढ़ा लें एतवार के दिन। और उसके बाद ये ध्यान रखें कि परहेज भी करें, देखेंगे कि धीरे धीरे मोटापा स्वयं कम होने लगेगा। इस उपाय को करके और परहेज को करके मोटापा अवश्य दूर किया जा सकता है। इस प्रकार मित्रों, ये हमने आप सभी को ज्योतिष संबंधित विचार ग्रहों के अनुसार बताया। वैसे बृहस्पति के ग्रह को शुभ करने के लिए कि जिससे मोटापा घटे, इसके लिए केसर का, शुद्ध केसर का टीका नाभि पर लगाने से भी मोटापा घटता है। बुध के लिए, अगर बुध की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो शहद में अपनी छाया देखकर उस शहद को किसी सुनसान स्थान पर बुधवार को रखने से भी मोटापा घटता है। शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पड़ रही है, तो शुक्रवार को बतासे बहते पानी में सिर से वार कर जल प्रवाह करने से भी मोटापा घटता है। इस प्रकार ये मैंने ज्योतिष संबंधित विचार उपाय मोटापे को हटाने के लिए बताया। हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष संबंधित आने वाले नए नए विचारों की जानकारी लेते रहें। मित्रों नमस्कार।